आप क्या कहोगे, किसकी सरकार देख रहे हो इस बार? योगी 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 आएगा। क्यों योगी क्यों आएंगे? योगी पसंद है योगी जी। अच्छा पसंद है। हाँ जी। क्यों पसंद है ये बताओ? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ पसंद क्यों है योगी जी? पसंद ये है कि बहुत बढ़िया यूपी चल रहा है। हाँ। और सुख शांति से रह रहे हैं। हाँ। यही है यही है। अखिलेश यादव जी भी तो हैं, मायावती जी। यादव यादव को हम नहीं जानते। कोई नहीं जानते। क्यों उनसे क्या दिक्कत? हमारे बिहार में भी लालू जी है। लालू जी बिहार में भी है। हाँ। कहे आ गया जंगल राज हो गया। जंगल राज हो गया। हाँ। उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश सरकार में जंगल राज है क्या? आई था उस समय में। अच्छा अभी योगी है तो बहुत सुख शांति है। बहुत सुख शांति है। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं इन्हीं की सरकार में गुंडा राज है। किनका? योगी सरकार में गुंडा राज है। हर सरकार में गुंडा राज है लेकिन बहुत कम है अभी। बहुत कम है। हाँ जी। कोई काम जो आपको पसंद आया हो योगी सरकार? हर काम बढ़िया ही है उसका। बढ़िया ही। कांग्रेस पार्टी भी आ रही है इस बार? देख लो आ रहा है तो। हाँ। अब जब आ जाएगा तो टाइम वो तो पता चल ही जाएगा। हाँ। राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी को किस तरीके से? ठीक है सर, सब नेता आ जाएगा वही योगी। हाँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, किस तरीके से देख रहे हो इस बार चुनाव को? देख क्या रहे हैं, योगी आएगा। योगी आएंगे। अखिलेश यादव जी भी हैं, मायावती जी भी हैं। नहीं नहीं योगी योगी। क्यों योगी जी ही क्यों भाई? एक तो क्राइम कम हो गया उसके आने से। हाँ। और क्या नाम है, सब आदमी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। काम ढंग से हो रहे हैं लेकिन कहते हैं इनकी सरकार में तो गुंडागर्दी होगी। अखिलेश यादव बोल रहे हैं फालतू की बात है। अच्छा फालतू का चक्करबाजी, सब सिर्फ योगी। सब योगी है। और कोई काम जो आपको पसंद आया हो? मुझे काम देखो जी, एक तो रोड पोर्ट दुनिया भर की बन गई है जी, और सबसे जो मेन बात है वो क्राइम कम हो गया। डरे हैं बदमाश इनके नाम। अच्छा भाई ये है सबसे बड़ी जो चीज है, ये धंधा तो सब आदमी कर ही रहे हैं, ऊपर नीचे तो सबकी गैली हुआ है। तो एक बात बताइए, बीजेपी पर आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं? कोई हिंदू मुस्लिम की नहीं है। अच्छा सब सही है। इसमें मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। गाजियाबाद में देखो, इस्लाम नगर कैलावट्टा सब मुस्लिमों का एरिया, वहाँ तो कोई ऐसे नहीं है कि उनके ऊपर कोई डंडा बरसा रहा पूरे दिन। सब काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। तो सब राजनीति है सबकी। अच्छा। महंगाई को किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव में? देखो जी महंगाई तो है बड़ी है। महंगाई तो बड़ी बन पाएगा क्या मुद्दा? ये कहने के लिए होगा बस कि महंगाई महंगाई है ना जी, पर ओवरऑल देखा जाएगा तो सब योगी को देंगे वोट। योगी को देंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है इस बार, किसका माहौल नजर आ रहा है? योगी योगी योगी। अखिलेश यादव जी है, मायावती जी है, वे क्यों नहीं? छोड़ दो, नाम ही मत लो, उन्होंने कुछ किया ही नहीं पहले, कुछ अब क्या करेंगे? हाँ नोट कह रहे हमने बहुत अच्छे काम किया था। अखिलेश यादव जी बोले पूछो ना जाके, वो तो कहेंगे। अच्छा वो तो कह रहे हमने काम किया था, योगी जी ने फित्ते काट दिया हमारे। कोई बात हर एक बंदा ऐसे कहता है जो बिल्कुल सीट से उतर जाता है ना, उसकी दुकानदारी बंद हो जाती है, तो यही कहता है। यही कहते हैं तो योगी जी आ रहे हैं। बंद हो गई है योगी जी? आ रहे हैं। आ रहे जरूर आ रहे हैं। महंगाई भी तो हो गई है। महंगाई कहाँ नहीं हो रही, उन्होंने महंगाई नहीं की थी कभी? उन्होंने तो महंगाई की थी। फिर पेट्रोल 104 पहुंच गया, ठीक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश का क्या कंसर्न है? पूरे देश का ही साल है। हाँ। तो पूरे देश का हिसाब है, सबके लिए है। मैं कह रहा हूँ योगी जीतेगा। योगी जीते। हाँ, कोई काम जो आपको पसंद आया हो योगी सरकार? सारे काम पसंद है, मैं इसकी गिनती अभी करने का समय नहीं है मेरे पास। अच्छा योगी जी से तो किसान भी नाराज है। अरे भैया किसान तो सबसे ही नाराज है, किससे नाराज नहीं है, सिर्फ टिकैत से खुश है। फिर क्या बात है, कह रहे वो तो तख्ता पलट है इस बार। हाँ वो तो टिकैत से ही खुश है। हाँ। किसान कौन सा नाराज नहीं है, सब किसान टिकैत से ही खुश है। खुश है। हाँ टिकैत से खुश है, बाकी सबसे नाराज है। अच्छा बस कह रहे तख्ता पलट है, सारे इलाके उनसे खुश है। कह रहे सारे किसान मिलकर तख्ता पलट कर देंगे योगी जी। करो उनके किनारे किसानों के पास जाओ, इनको इंटरव्यू लो, उनको बोलो, फिर वो दिखाओ। गुंडागर्दी की बात होती है, कहते थे पहले गुंडागर्दी थी अब नहीं है, क्या ऐसी कुछ है? जरूर 101% गुंडागर्दी खत्म। हाँ मैं दिल्ली से आया हूँ। हाँ। दिल्ली में आते मुझे यहाँ पर रहते 14 साल हो गए, इतना बदलाव आया जो पहले नहीं था। अच्छा बदलाव नजर आया है। हाँ। एक तरफ मायावती जी कह रही कि अब हम मूर्ति नहीं बनाएंगे, विकास करेंगे। ये तो उनका काम है, इसके बाद में मैं क्या बोल सकता हूँ। उन्होंने मूर्तियाँ बनाई हैं, उन्होंने अब तोड़नी है अब तोड़ ले, नहीं बनानी बंद कर दे। कह रहे विकास करेंगे, इस बार हमें सरकार बना। हाँ तो वो सबको रिक्वेस्ट तो करेंगी ना, उनको गद्दी चाहिए,
देखो वक्त आएगा, लोगों को पता लग रहा है कौन ने काम किया किसने नहीं काम किया, इसमें हमारे को कहने की जरूरत ही नहीं। चुनाव नजदीक है अंकल जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में इस बार? उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार है। अरे अखिलेश यादव जी भी है, कह रहे साइकिल चलने वाली है इस बार। कोई बात नहीं, साइकिल चल रही है, साइकिल कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बीजेपी की सरकार बीजेपी की बनेगी दोबारा से, फुल बहुमत से, प्रचंड बहुमत से बनेगी, प्रचंड बहुमत से। हाँ, कह रहे योगी जी बाहर है इस बार, योगी जी सबको बाहर कर देंगे लेकिन हाँ खुद अंदर रहेंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे 350 हमारी सीट है, अखिलेश यादव जी 30 आदमी बहुत है, 30 भी नहीं आने की, हाँ नहीं आने की, वो तो कह रहे सरकार बना लेंगे। मैं कह रहा बना कैसे बना लेंगे, सरकार बीजेपी बनेगी भाई, सरकार बीजेपी की 100% बनेगी। कोई काम जो आपको पसंद आया हो भाई, पूरे देश में योगी मोदी ने मिलकर इतना काम किया है जो कोई नहीं कर सकता, न कोई पीएम न कोई सीएम कर सकता आज तक। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि इन्होंने तो हमारे काम के फित्ते काट दिए, हमने काम किए तो सर। ये तो वही सिस्टम है, आप किसी काटो हम किसी काटेंगे फीता, जो काम छोड़ दो तो करने पड़ेंगे पूरे हमें ही, जो योगी जी ने काम पूरे करे हैं जो छोड़े हुए वो फीते कौन काटेगा उसका, ये तो हम ही काटेंगे ना, योगी जी काटेंगे ना, योगी जी सरकार बनेगी 100% बनेगी, 100% बनेगी फुल बहुमत से। एक तरफ तो किसान भी बैठे हैं नाराज हैं इतने दिनों से, महीने 10 महीने से ऊपर निकल गए, कह रहे हैं तख्ता पलट, किसान ही नहीं है वो जो बैठे, किसान तो अपने घर खेती कर रहे हैं, मूंजी धान खेत में खड़ा है उसे काट रहे हैं, बैठेंगे धरने पे, जो किसान है वो बीजेपी के, टोटल बीजेपी के, वो टोटल बीजेपी के, हाँ फुल किसान बीजेपी के। राकेश जी क्या कह रहे हैं तख्ता पलट, राकेश जी गए तख्ता देख रहे कितने गद्दे देखे, गद्दे में डलन पे सोते हैं वो, तो तख्ते कहाँ देखे, तख्ते किसान देख सकता है, तख्ते जो देखते हैं वो किसान देखता है, ठीक है साहब, तो वहाँ सोते हैं होटल में फाइव स्टार में, वो कहाँ सो पाएंगे तख्तों पे। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसान योगी को बाहर कर देंगे इस बार, उत्तर प्रदेश किसान योगी को पूरा सहयोग करेंगे, फुल फुल है क्या? हाँ जी बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। अखिलेश यादव जी मायावती जी क्यों नहीं है? नहीं वो तो फेल है इस बार, फेल है इस बार, कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, योगी जी को जनता ही नहीं, वो अपना प्रचार ही नहीं करते, उन्हें पता है कि इस बार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, योगी जी हैं, योगी जी फुल, बाकी में योगी जी हैं, योगी जी आएंगे 100%, 100%। कोई काम जो आपको पसंद आया हो? गुंडा राज खत्म करा उन्होंने, गुंडा राज खत्म हो गया, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं गुंडा राज इन्हीं की सरकार, राज सपा में था बीजेपी में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गया, खत्म हो गया। बहुत खुश है हम योगी जी के राज से, बहुत खुश है, अब की बार भी होगी, और मोदी का योगी मोदी का जादू चलेगा। अच्छा बिल्कुल, केजरीवाल जी भी आ रहे हैं दिल्ली से, फिर केजरीवाल जी दिल्ली तक ही सीमित है, वो यूपी में नहीं उठ पाएंगे ना, कहीं राज ना केंद्र में आ पाएंगे, ना दिल्ली से आगे जा पाएंगे। अच्छा योगी बताइए, फ्री बिजली लेके केजरीवाल जी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से देख रहे हो? भैया फ्री बिजली इन्होंने है ही ना उत्तर प्रदेश में, अच्छा सब बिल देने वाले हैं, सब बिल देने वाले, हाँ ये दिल्ली में है तो फ्री वाले, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सक्षम इंसान है, फ्री के चाहते हैं तो काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, हैं? हाँ वो सरकार बीजेपी की चाहते हैं, बीजेपी की बनाएंगे, बहुत काम करा बीजेपी ने भाई, बहुत देश के अंदर इतना काम कर दिया जो कोई कर नहीं सकता, तो लोग कहोगे जो 90% 95% बीजेपी की डिमांड है, बीजेपी की डिमांड, हाँ। लेकिन महंगाई का भी मुद्दा है, कह रहे महंगाई हो चुकी है, इसलिए महंगाई कहीं नहीं भैया, महंगाई भी तो कमाई भी तो बहुत है, पहले 5,000 तनख्वाह थी अब 15,000 तनख्वाह लोगों की, वो कहाँ जाएंगे, महंगाई नहीं बिल्कुल भी, महंगाई चलती रहती है, चलती रहती है, महंगाई कितनी हो जाए सरकार बीजेपी की बनेगी, सरकार बीजेपी, चाहे पेट्रोल डीजल 200 रुपए लीटर हो जाइए, 200 रुपए हो जाइए, ऐसा क्यों? क्योंकि महंगा हो गया पेट्रोल 104 तो पार, कोई बात नहीं, महंगाई सह लेंगे लेकिन देश को हम आजाद देना चाहते हैं बिल्कुल, हाँ गुलामी पसंद नहीं है, और जो चल रहा है बदमाशी सब खत्म कर दी मोदी जी ने, खत्म कर दिया बिल्कुल बिल्कुल। एक बात आई है हिंदू मुस्लिम की, बात करते हैं कि योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुसलमान भाई भी हमारे भाई हैं, ऐसे कुछ नहीं करते, ये तो सोचने वाली बात है, मुसलमान हमारे भाई हैं ऐसी बात नहीं है। हाँ चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार इस बार? किसकी सरकार होगी? जो जिसको वोट पड़ेंगे उसकी सरकार होगी, वो तो पड़ेंगे, आप किसकी चाहते हो? मैं तो मोदी की चाहूंगा, मोदी की, उत्तर प्रदेश में योगी की यानी की, हाँ हाँ योगी, अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं, नहीं नहीं मैं मोदी के लायक करता हूँ, योगी को नहीं करता ज्यादा, योगी को नहीं करते क्यों? मोदी को बस। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी आएंगे नहीं आएंगे ये तो ऊपर वाला बताएगा, ऊपर वाला नहीं बताएगा, हाँ। भैया आप क्या कहोगे, चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार इस बार? योगी की, योगी की, हाँ जी। अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी, वे क्यों नहीं? इनकी कोई सरकार आएगा नहीं, नहीं है क्यों? फुल बहुमत से आएगा देख लो, अच्छा है बिल्कुल। क्या अच्छा लगा आपको? बहुत चीज है अच्छा जी, क्या नहीं कुछ बताइए, क्या नहीं है बताओ, हर चीज है। कह रहे हैं योगी जी ने तो महंगाई भी कर दी उत्तर प्रदेश में, आलू प्याज टमाटर नहीं सर, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब नॉर्मल चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो कहने वाली बात है। हाँ। गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है? बिल्कुल खत्म है सर, विकास नजर आया इन 4.5 सालों में, बिल्कुल विकास है, हमारे पास खाता नहीं था, अब खाता खुलवा दिए मोदी जी, अब बताओ क्या करवाओ, हमारे पास साइकिल था, आज के डेट में बुलेट है, बस में पेट्रोल भी तो डलना है, महंगा हो चुका है, तो काम धंधे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। हाँ। अच्छा
अखिलेश यादव जी तो कह रहे साइकिल चलेगी इस बार हमारी। साइकिल की तो कहीं से कहीं मतलब ही, देखो क्या होता। साइकिल का कहीं मतलब नहीं है, सरकार बनेगी 350 पार हमारी बिल्कुल फुल बहुमत से। फुल बहुमत से योगी योगी साल पूरे हो चुके हैं योगी सरकार के, किस तरीके का काम आपको नजर आया? योगी सरकार ने अच्छा काम किया, योगी सरकार ने पूरा क्राइम खत्म कर दिया, पूरा क्राइम खत्म कर दिया। लेकिन वो तो कहते हैं अभी भी क्राइम है, अखिलेश यादव यही कहते हैं। तो सब वो दूसरा अपोजिट पार्टी तो कहेगी ना, हर पार्टी कहती है वो तो। अच्छा, वो तो हर पार्टी कहती है ना, अपोजिट हर पार्टी कहती है, कोई किसी की तारीफ थोड़ी ना करता आजकल तो। वो है क्या लगता है, उम्मीद है दोबारा योगी जी आएंगे? मे बी हो सकता है, हो सकता है योगी जी। कोई काम जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हो? काम तो ये है कि बेसिकली क्या कि यूपी में जैसे क्राइम खत्म कर दिया, बहुत कम क्राइम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा क्राइम था। बाकी जो महंगाई हो रही है वो तो दूसरी तो स्टेट गवर्नमेंट की बात है। हाँ। लेकिन बेसिकली जो क्राइम है वो यहाँ कम हो गया। सर 2022 का चुनाव नज़दीक है, किस तरीके से देख रहे हो इस बार चुनाव को? चुनाव में तो योगी जी आने चाहिए, योगी जी आने चाहिए। हाँ। अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं, वहाँ गुंडा राज ज्यादा हो जाता है। गुंडा राज ज्यादा है, वे हाँ। तो कहते हैं कि योगी सरकार में गुंडा राज हो गया है। नहीं नहीं नहीं, योगी साहब योगी उसमें गुंडा राज नहीं होता। हाँ। अच्छे अच्छे जो है किनारा कर गए, अच्छे अच्छे किनारा। हाँ जी, लेकिन महंगाई का तो मुद्दा बड़ा है, महंगा हो गया हर चीज। भाई वो तो सभी जगह महंगा है, यहाँ ये थोड़ी है कि योगी के उसमें, ये तो पीछे से ही महंगाई आ रही है और सबके साथ है महंगाई, कोई एक आदमी के साथ तो है ही नहीं। ठीक है जी, व्यापारी वर्ग भी नाराज है, क्या लगता है बाकी में व्यापारी वर्ग नाराज है? व्यापारी वर्ग तो भैया ऐसा महंगाई में ये लॉकडाउन इतना हुआ, बीमारी ऐसी हुई है, उसमें तो परेशानी आई नहीं, सभी को आ रही है, सभी देशों में आ रही है, कोई है थोड़ी है। अखिलेश यादव से लोग नाराज क्यों है? अखिलेश यादव को कोई पसंद करने को तैयार नहीं? अखिलेश यादव अपनी जगह हैं, वो अभी जो है यंग लड़के हैं, वो इतने वो नहीं हैं जितने योगी जी खेले हुए हैं और मायावती खेली हुई हैं, इतने नहीं हैं। आसपास क्षेत्र में इन 4.5 सालों में विकास नज़र आया है आपको? पहले कोई कूड़े की गाड़ी नहीं आती थी, अब कूड़े की गाड़ी घर घर जाती है। अच्छा। तो विकास तो हो ही रहा है, विकास हो रहा है।